हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, आज के रेसिपी में बनाने वाले हूँ दोस्तों ये झींगा मच्छी। ये देखिए एकदम ये ताज़ा है दोस्तों, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है ये। तो इसको कैसे साफ़ करना है दोस्तों, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी साफ़ कर दे रहे हैं, हम दोनों जने मिल करके साफ़ कर लेंगे। इसका जो ये चमड़ी होता है ना, ये देखिए ये मोटा वाला, इसको निकालना है। ये देखिए इधर इस तरीके से ये झींगा मच्छी साफ होता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से कुछ झींगा मच्छी ये साफ़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक पीस मेरे हस्बैंड जी साफ़ कर दिए हैं, तो बाकी का इसी तरह से हम साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने झींगुर मछली बड़ा आसानी से छील लिया है दोस्तों, ये तुरंत निकल गया। तो आइए इसको मैंने साफ़ कर लिया, अब इसको धो लेते हैं। तो झींगा मछली को यहाँ पर धो लिए हैं दोस्तों, मेरे हस्बैंड जी धो लिए। और यहाँ पर हम डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी का पाउडर, और इसमें हम डालेंगे बस 3 से 4 बूंद सरसों का तेल, और इसको मिला लेंगे हल्दी पाउडर और सरसों का तेल को झींगा मछली में। तो यहाँ पर मिला लिए दोस्तों, अब इसको ढक करके हम 7 से 8 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम मसाला तैयार कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक प्याज, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली हूँ, थोड़ा सा अदरक ले लिया है, 2 हरी मिर्च और सरसों का दाना ले लिया 1 चम्मच। तो इन मसालों को हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा वाला मिक्सी का जाल ले लिया है, तो इसमें अब हम डालेंगे ये सब प्याज। तो यहाँ पर सारा खड़ा मसाला डाल दिया है दोस्तों, और इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके और इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाला को पीस लिया है दोस्तों, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी थी दोस्तों गर्म होने के लिए। अब यहाँ पर हम डाल देंगे बस 1 चम्मच तेल सरसों का, और इसको गर्म होने देंगे। और यहाँ पर जो झींगा मच्छी है, इसमें मैंने नमक अभी नहीं डाली हूँ, तो इसमें थोड़ी सी नमक डाल देते हैं और इसको मिला लेंगे। तेल यहाँ पर गर्म हो गया है, तो इसको थोड़ी सी हम कढ़ाई में फैला देंगे तेल को। और ये जो झींगा मच्छी है ना, इसको बस हमें हल्का सा फ्राई करना है। यहाँ पर सारा झींगा मछली डाल दिया है दोस्तों, बस इस तरह इसको चलाते हुए हल्का सा हमें फ्राई करना है। तो बस यहाँ पर इतना ही फ्राई करना है दोस्तों झींगा मछली को। अब इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे प्लेट में। तो इसमें हम थोड़ा सा और तेल डाल देते हैं दोस्तों ग्रेवी बनाने के लिए। तो तेल यहाँ पर गर्म हो गया है दोस्तों, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर सरसों का डाल देंगे दाना, यहाँ पर डालेंगे साबुत जीरा, यहाँ पर जो हमने पेस्ट बना करके रखा है ये डाल देंगे। ये पेस्ट को हम यहाँ पर चलाते हुए भून लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए लहसुन अदरक हरी मिर्च प्याज का पेस्ट यहाँ पर भून लिया है दोस्तों, और यहाँ पर मैंने मसाला ले लिया है। तो मसाला में क्या क्या लिया है, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, यार ये स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। तो सभी मसाला को हम इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ, मसाला गले में। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कटा हुआ बारीक टमाटर, जिनका मैंने छिलका हटा लिया है दोस्तों। अब मसाला और टमाटर को अच्छे से हम भूनेंगे टमाटर को सॉफ्ट होने तक। यहाँ पर मसाला अच्छे से मिला दिया है दोस्तों, और इसको मैंने ढक करके मीडियम टू लो आंच में इसको 3 से 4 मिनट में मसाले को अच्छे से पका लेंगे। ढक्कन को यहाँ पर हटा के हम मसाला चेक कर लेंगे दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो गए हैं यहाँ पर। तो मसाला देखिए तेल रिलीज कर दिया है और मसाला भी अच्छे से भुना गया है। तो यहाँ पर 3 छोटे चम्मच के हम तेज पत्ता डाल देंगे और इसको आंच को मीडियम में कर देंगे, और चलाते हुए मसाला को और हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। मसाला यहाँ पर अच्छे से पक गया है दोस्तों, भून गया है मसाला को। तो इसमें हम डाल देते हैं गुनगुना गर्म पानी। यहाँ पर मैंने 1 गिलास डाला है दोस्तों, आपको जैसे ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पर पानी डाल सकते हैं। तो इसको देंगे अच्छे से मिला। अब इसमें डाल देंगे छोटी चम्मच आधा चम्मच गर्म मसाला पाउडर। ग्रेवी में उबाल आ गया है तो गर्म मसाला को मिला लेंगे। यहाँ पर डाल देंगे यहाँ पर हम ये झींगा मच्छी, हमने हल्का सा फ्राई करके रखे थे, तो हम मिला देंगे। और इसको मिलाने के बाद हम मीडियम आंच में इसको 4 से 5 मिनट हम और पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों टाइम हो गया है, खाने 4 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन को हटा लेते हैं, हमारा ये झींगा मछली बन करके रेडी हो गया है। यहाँ पर बन करके रेडी हो गया है दोस्तों, और ग्रेवी भी ठीक है। तब हम गैस को कर देंगे बंद, और यहाँ पर डाल देंगे हम
धनिया का पत्ता, और आपको सर्व करके दिखा रहे हैं। मैंने प्लेट ले लिया है, अब गर्मा गर्म ये झींगा मछली आपको सर्व करके निकाल के दिखा रही हूँ। दोस्तों आज की रेसिपी मेरी बन करके रेडी हो गया, ये झींगा माने झींगा मछली। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। फिर मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।